हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम अपने फेस की देखरेख बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हाथों की देखरेख बहुत अच्छे से कर लेते हैं, पैरों की देखरेख कर लेते हैं, और कई बार क्या होता है, जो हमारा नेक होता है, जो हमारा गर्दन होता है ना, उसकी हम देखरेख नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है, जो गर्दन होती है उसमें बहुत ज्यादा कालापन हो जाता है। जो गर्दन होती है पीछे साइड अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा काली होगी, और क्योंकि उनके हाथ भी उस तरीके से, मतलब वो देख नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे काली हो रही है, देन उनकी जो गर्दन बहुत ज्यादा काली हो जाती है। मैं स्क्रीन पे मेंशन करूंगी किस तरीके से लोगों की जो गर्दन है वो काली हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी भी जो गर्दन है वो काली हो चुकी है पूरी तरीके से, एंड आप सोच रहे हैं कि ये जो गर्दन है अब ये साफ नहीं होगी, तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा DIY लेके आया हूँ जिससे आपकी जो गर्दन है उसका जो कालापन है वो पूरी तरीके से चला जाएगा, आपकी जो गर्दन है वो एकदम से साफ, सफेद एंड चमकदार हो जाएगी। बाकी जो स्किन है आपकी, जैसे आप नेक वाली ये वाली स्किन है या आपकी फेस वाली स्किन है, वैसे ही नॉर्मल आपकी स्किन हो जाएगी, जहां पे भी आपका जो गर्दन का कालापन है ना वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको इस DIY को लगाना है, और लगाने के बाद 15 मिनट तक इसको छोड़ देना है, अप्लाई करना है, सूख जाए 15 मिनट बाद आप इसको वॉश कर लेंगे तो इजली आपका जो गर्दन है, जो नेक है आपका, वो पूरी तरीके से धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा। एक बार में ही आपको फर्क नजर आएगा, लेकिन एक बार में आपका पूरी तरीके से साफ नहीं होगा, लेकिन हाँ कंटिन्यू आप इसको कुछ दिन तक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी जो गर्दन है वो एकदम से साफ हो गई है। तो दोस्तों, कैसे बनाना है इस DIY को, आइए सबसे पहले वही देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है अराउंड 1 से 1.5 चम्मच दही, और ये लिया है मैंने आधा नींबू। इसको आपको इसी जो दही है इसी में आपको निचोड़ देना है कुछ इस तरीके से। लगभग 1 चम्मच जितना ये जो नींबू का रस है वो निकल आया है, और इसके बाद इनको दोनों को मिक्स कर देना है। दोनों में विटामिन सी पाया जाता है, मैल होता है, जो गंदगी होती है, जो कालापन होता है उसको पूरी तरीके से साफ कर देता है। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जब आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और बस इसको आपको इस तरीके से जैसे ऐसे इस तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जैसे आपके गर्दन में कालापन है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना है आपको, और आपको इस तरीके से ऐसे लगा देना है, और हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरीके से लगा देना है, और बस आपको छोड़ देना है 15 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़ा सा सूख ना जाए, और उसके बाद आपको वॉश कर लेना है। कुछ दिन में आपकी ये जो कालापन, गर्दन जो आपका कालापन है ना, वो कुछ दिन में बस आपकी जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। और जब आप ये दही और जो नींबू है उसको मिक्स करके लगाएंगे तो हो सकता है आपकी स्किन पे थोड़ा बहुत जले, जैसे किस टाइप का लगे, जैसे कोई चीज कट जाती है आपकी, मान लो फिंगर कट जाती है और फिर उस पर अगर आप कोई चीज लगाते तो हो सकता है थोड़ी सी जल रही हो, बस उस तरीके की अगर जले तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ना मैल को काटता है, इस वजह से थोड़ी सी इचिंग टाइप की, थोड़ी सी जलन टाइप की हो सकती है, तो इट्स नॉर्मल, वो एकदम से नॉर्मल है, तो उस पे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरीके से आपको DIY बना लेना है और अप्लाई कर लेना है अपने नेक पे पूरे 15 मिनट के लिए, क्योंकि दोस्तों हम नींबू और दही ले रहे हैं और दोनों में विटामिन सी जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और जो नींबू और दही है वो गहराई से साफ करते हैं आपकी स्किन को। तो अगर आप इस DIY को यूज करते हैं तो आप देखेंगे कुछ दिन में ही आपकी जो समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ये समस्या है तो आप भी इस DIY को जरूर लगाइए, और आपके जो अनुभव हैं वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।